नमस्ते, मैं अमरेश कुमार अपना घर अपना आंगन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज योग साधना के तहत योग और योगाभ्यास के जरिए घुटने का दर्द, कमर दर्द, स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस आदि बीमारी से कुछ ही दिनों में छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी है। योग से मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आज हम अनिल कुमार अग्रवाल जी, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो विगत 40-45 सालों से लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, उनके मुख से भी दो शब्द हम लोग सुनेंगे। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अमरेश कुमार, आज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किससे सेवानिवृत्त अनिल अग्रवाल जी से हम मिलते हैं, जो आपको योगा के बारे में कुछ दो शब्द बताएंगे। ज्यादातर लोग घुटने के दर्द एवं कमर के दर्द से परेशान हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको आसन के द्वारा कैसे ठीक हो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ एक्सरसाइज है, जैसे पैरों को वृत्ताकार घुमाना एवं दूसरा है घुटने को वृत्ताकार घुमाना, ये दो माध्यम है। और तीसरा है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में के द्वारा कमर दर्द शर्तिया रूप से हम कह सकते हैं कि वो ठीक होगा ही। जिस ढंग से एलोपैथ में दर्द के लिए बहुत कड़ी कड़ी दवाइयां दी जाती है तब ठीक होता है, और इसमें बिना दवा के ये ठीक हो जाता है। धन्यवाद। मैं अनिल अग्रवाल, क्या बतलाना चाहेंगे आप लोगों को, घुटना दर्द कैसे हम ठीक करें। लेकिन योग में सर्वप्रथम होता है सिटिंग पोस्चर, हम किस आसन में बैठे, वज्रासन या पद्मासन, इसी दोनों को प्रमुख आसन माना गया है। तो हम वज्रासन में करते हैं। तो वज्रासन में बैठने के क्या करते हैं कि मेरुदंड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधा, आंखें बंद, एकाग्रता बिंदु आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान है दोनों आंखों के बीच, जहाँ आप श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता, बगैर आपके अनुमति के श्वास न तो अंदर प्रवेश पा सके न ही बाहर निकल सके, यानी श्वास प्रश्वास की कड़ी पहरेदारी करनी है। श्वास आपकी जिंदगी और प्रश्वास मौत, यदि वो न लो। आइए सर्वप्रथम हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं उसके मंत्र के साथ। ब्रह्मानंदम परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हे दया माँ, तुम्हारा प्यार हमारी भक्ति की वेदी पर सदा जगमगाता रहे और हम तुम्हारे प्यार को सबों के हृदय में जागृत कर सके। शांत शांत शांत। आइए अब पैर का एक्सरसाइज। सर्वप्रथम उनको घुटने में दर्द होता है, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया,
और घुटने के नीचे रखें और 90 डिग्री एंगल पर इसको उठा देंगे, पैर को वृत्ताकार घुमाएं तो पैर भी घूमेगा घुटना से और एड़ी के पास से पंजा भी घूमेगा 3 बार कम से कम। जिनको दर्द है वो 8 से 10 बार करें, 2 3 यही अभ्यास बाएं पैर से, 1 2 3 3 2 1 और फिर शीतलीकरण। शीतलीकरण में क्या करें, किए गए अभ्यास की मानसिक पुनरावृत्ति एवं श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों से हम घुटना के पिछले वाले भाग को दबाते हैं और इसको वृत्ताकार घुमाते हैं, 1 2 3 विपरीत दिशा से, 3 2 1 बाएं पैर, 1 2 3 3 2 1 किन्हीं किन्हीं को साइटिका का प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कमर से पैर तक झंझनाहट एवं भयंकर पीड़ा हो, उसके लिए क्या करते हैं दाहिने हाथ को बाएं हाथ पैर में फंसा दिया, पैर की अंगुली को मोड़े और इसको सांस लेते हुए आधा दूर तक और सांस छोड़ते हुए घुटना को नाक से सटा दिया, 1 यही अभ्यास दूसरे पैर से, 1 2 सांस की गति होती है, सांस लेते हुए पहले हम ऊपर उठाए और छोड़ते हुए हम घुटना को नाक में सटाए, 2 यही अभ्यास दाहिने पैर से, 1 2 जब सांस लेते हैं तो यौगिक भाषा में उसे पूरक कहते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं, पूरक और रेचक। अगला अभ्यास करेंगे हम कमर, कमर के में क्या करते हैं कि साधारण हम अर्ध पद्मासन में बैठे और दोनों हाथों से दोनों घुटना को दबाते हुए आगे की ओर इतना झुके कि सर हमारा और सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों से घुटना को पकड़ लिया और पीछे की ओर ताकि कंधा खिंचाए हमारा, 2 पावर करके देख ला दे, रेचक और पूरा, फिर दाहिने, 1 2 रेचक करते हुए और पूरा करते हुए, मतलब सांस छोड़ते हुए हम झुके और सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर और फिर से इसी का अगला भाग, वृत्ताकार घुमा, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए दाहिनी ओर से पीछे और छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे की ओर, 1 2 विपरीत, 3 अगला अभ्यास वज्रासन, वज्रासन से सर्वप्रथम करते हैं दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, इसको बोलते हैं चंद्रासन, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकना
और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे ऊपर की ओर। इसी को बगल से देखें, एक इसी का अगला अभ्यास उष्टासन। पहले अर्ध उष्टासन, बाएं हाथ को दाहिने कंधे एड़ी पे ले गए, दाहिने हाथ को बाईं ओर लाए और सांस लेते हुए ऊपर की ओर। एक, दूसरी बार, दो, एक पूरक मतलब सांस लेते हुए, एक, दो। अगला अभ्यास पूर्व उष्टासन, दोनों हाथों को दोनों एड़ी पे रखना और सांस छोड़ लेते हुए पीछे को झुकना। और सांस छोड़ते हुए जिस ढंग से एलोपैथ में कहते हैं दर्द के लिए ब्रूफेन काम करता है, ठीक उसी ढंग से कमर दर्द के लिए तो उसी ढंग से काम करता है। अगला अभ्यास इसका क्या है, जैसे क्या होता है कि काटते हैं इसको, ठीक काटते